जय माता दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आज नवरात्रि का सातवां दिन है, महाकाल रात्रि का दिन है, आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन जो माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है उसकी माता सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती हैं। तो दोस्तों माता का प्रिय प्रसाद, माता के प्रिय वस्तु और माता का प्रिय फूल अगर उनके अनुसार पूजा किया जाता है तो माता अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गुलहड़ का फूल और उन्हें लाल रंग का कुमकुम और झांझर और लाल रंग की चुनरी अर्पण करने से माता बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। और उनका प्रिय फूल है गुड़ और चने। माता को गुड़ चने जो कोई अर्पित करता है वो उससे बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि माता को उस प्रिय भोग है। इस प्रकार से महाकाली का पूजा अर्चना करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज सातवां दिन है और आज दुर्गा सप्तशती का हम सातवां अध्याय भी अध्ययन करेंगे, इस क्योंकि हमने कल आपको पांचवा और छठवां अध्याय श्रवण कराया था, उसी क्रम से आज आपको हम सातवां अध्याय श्रवण कराएंगे। तो किस प्रकार से माता को मारने के लिए उसने फिर उद्योग बना के शुंभ ने भेजा था, तो आइए जानते हैं कि आज माता के हाथ किन किन दानों का श्रृंगार होगा। तो आइए सबसे पहले हम माता का ध्यान करते हैं। तो बोलिए दुर्गे सप्तशती माता की जय। तो पहले उनका ध्यान करें। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे अपने रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते को मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर में वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करती हैं तथा करा पुष्पों से माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में शंखमय पात्र लिए हैं। उनके वंदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ रहा है और उनके ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। तो उन देवी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि ददांतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड आदि दैत्य चतुर्गढ़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय में स्वर्णमयी ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पार पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोगों ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं को बड़ी क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट मुख भौहें टेढ़ी हो गई। वहां एक तुरंत ही विकराल काली के रूप में प्रकट हो गई जो तलवार में फांस लिए हुए थी। वे विचित्र खंड धारणी किए तथा चीते की चम्र की साड़ी पहने नरमुंडों की माला विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वो अत्यंत डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी जा रही थी और लाल आंखें थी। वो भयंकर गर्जना संपूर्ण दिशाओं में गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों से वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबका क्षण भर में भक्षण करने लगी। इस प्रकार से आमर्ष में अंकुशधारी महादैत्यों का घंटा सहित कितनों के हथियारों से एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार से घोड़े रथ और सारथियों को
साथ ही सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयंकर रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा लेती, तो किसी के गला दबाकर उसके किसी के पैर को कुचल देती। इस तरह से किसी के छाती को धक्के से गिराकर रौंद देती। वे असुरों के छोटे और बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में डाल लेती और रोम में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती। काली के बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों के वह सारी सेना रण डाली, खा डाली, कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गया तो कोई खंडवान के पीठे गए और कितनी ही असुर दैत्यों के अग्रभाग में कुचलकर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से देवी असुरों की उसकी सारी सेना क्षण भर में मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयंकर काली के ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों का भयंकर नेत्रों वाली देवी का अश्चित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य में बहुतेरे मंडलों के बादलों में उद्र का प्रवेश कर रहे हों। तथा भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोम में भरकर विकराल अट्टहास करने लगी। उस समय उनके विकराल वंदना के भीतर कठिनता से देख जाने सकने से दांतों का प्रभाव वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी की बड़ी तलवार हाथ में ले हास हम शब्द का उच्चारण करके चंड धाव कर दिया। उसके केश पकड़कर उसकी तलवार को मस्तक से काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोम में भरकर उसे तलवार से घायल कर पृथ्वी पर सुला दिया। महाप्रक्रमी चंड और मुंड को मारा देखकर मरने से बची हुई सेना वहां से भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदांतर काली ने चंड और मुंड नाम के मस्तक को ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कही। देवी बोली, देवी ने कहा, मैं चंड मुंड नाम के दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब तुम युद्ध भाग में तुम शुंभ और निशुंभ से स्वयं ही वध करोगी। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं। वहां लाए हुए उन चंड मुंड के महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका काली से मधुर वाणी से बोला, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में तुम्हारी चामुंडा नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। बोलो दुर्गे सती सती माता की जय, चामुंडा माता की जय। इस प्रकार से माकुर्य पुराण का सातवां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गे सती सती माता की जय। अब हम माता के आठवीं रूप के दर्शन करेंगे और आठवां अध्याय भी श्रवण करेंगे कि जिस प्रकार से माता काली देवी चंड मुंड नाम के दैत्यों की मुंडी लेके चामुंडे के पास गई और कहा स्वयं ही अब शुंभ और निशुंभ का वध करना। तो आइए देखते हैं कि अब माता किन किन राक्षसों का श्रृंगार करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम माता का ध्यान श्रवण करते हैं। मैं आमर्ण आदि सिद्धिदायिनी मई किरणों से भवानी देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहर रह रही है और हाथों में फांस है, अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मैं उन देवी को बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड नाम के महादैत्यों को मारे जाने से बहुत सी सेना का श्रृंगार हो जाने से दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा देने लगा। वो बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। कौम्बी नाम वाले दैत्य 84 सेनानी अपनी वाहिनी से घिरी हुई यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे।
50 कौटवृग कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेना मेरी आज्ञा से सेना से कूच करेंगे। कौलक वज्र मौर्य और काल के असुर से युद्ध की तैयारी के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करेंगे। भयंकर शासन काल में करने वाले असुर राज शुम्भ को इस प्रकार से आज्ञा दे, सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रवस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टक्कर से समुद्र और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदांतर देवी के सिंह के बड़ी बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टक्कर से सिंह की दहाड़ से घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्दों से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार से वो विजयिनी हुई। उस तुलुम नांद को सुनकर महादैत्यों की सेना चारों ओर आकर चंडिका देवी को, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन उसी बीच में असुरों के विशाल तथा दैत्यों के अवधों के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव और कार्तिक और विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल के समान थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास आई। जिस देवता का जैसा स्वरूप था वेशभूषा वैसी ही वाहन ठीक वैसे ही साधन से संपन्न उसकी शक्तियों के असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान में बैठी हुई अच्छसूत और कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृष भर अरुण और हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए है। महानाग के कंकड़ माले पहने मस्तक में चंद्र रेखा विभूषित वो आई वहां पहुंची और कार्तिक के सत्य रूप में जगदम्बा उन्हीं के रूप में धारण किए श्रेष्ठ मयूर का अरुण और तथा हाथ में शक्ति लिए महादैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार से भगवान विष्णु की शक्ति वरुण में विराजमान हो हंस चक्र गदा और धनुष और खंड हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवराह के रूप में धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है वो वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों में झटके के आकाश से तारे बिखर पड़ते थे। उसी प्रकार से इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए गजराज एरावत में बैठकर आई। इस प्रकार से अस्त्र नेत्रों में इंद्र जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन शक्तियों से घिरी हुई महादेवी जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का श्रृंगार करो। चंडिका माता महादेवी से कहती हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही उन शत्रुओं का श्रृंगार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति का प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उन पराजित देवी से धूमिल चट वाले महादेवी जी ने कहा, भगवान अब शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन महादैत्यों के गरील वदानों से शुंभ और निशुंभ के दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए उपस्थित हैं उन्हें भी यह संदेश दीजिए कि दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम पाताल लौट जाओ, इंद्र त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता को यज्ञ भाग उपयोग करो। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस को तृप्त हो रही हैं। चूँकि उन देवी को भगवान शिवदूति कर्म से नियुक्त किया गया था इसीलिए वो शिवदूति के नाम से संसार में विख्यात हुई। इस प्रकार से महादैत्यों को भी भगवान शिव के मुंह में देवी के वचनों को सुनकर क्रोध भर गया और वहाँ कात्यानी विराजमान थी उस ओर बढ़े
तदांतर उन दैत्यों को आमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और प्रसिद्ध अस्त्रों से त्रस्त करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टक्कर से उसे छेड़े हुए बड़े बड़े बाणों को दैत्यों से चलाए हुए बाण शूल और शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं से शूल का प्रहार उदंड करने लगी। खंडवान उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचारने लगी। ब्रह्माणी ने जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और परम क्रम से नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति व्रज प्रहार के उदंड सैकड़ों दैत्यों दानव का रक्त की धारा बहाते पृथ्वी पर सो गए। इस प्रकार से वरीह शक्ति में कितने ही थुकनों से मारकर नष्ट कर दिया। डाणों से अग्रभार कितने की छाती फट गई। कितने ही दैत्यों को चक्र से चोट पहुंचा कर गिर पड़े। नरसिंह से एक दूसरे से दैत्यों से अपने नाखूनों से तृण करके खाती और सिंहनाद के दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुरों को शिवदूति प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने से उन्हें शिवदूति उस समय उनका अग्रहास बना लेती। इस प्रकार से क्रोध में भरे हुए मृतंगड़ों से नाना प्रकार से उपयोग बड़े बड़े असुरों को मर्दान करते हुए दैत्यों की सेना भाग खड़े हुए मृतंगड़ पीड़ित दैत्यों से युद्ध भागते देख रक्त बीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब बूंद रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर और पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज के हाथ में गदा ले इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा और तब इंद्री ने अपने ब्रज से रक्त बीज को मारा। ब्रज के घायल होने से उसके शरीर का बहुत सा रक्त चूने लगा जिससे उसी के समान रूप में बहुत से पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। जब वे सब रक्त बीज के समान वरीवान बलवान तथा पराक्रमी थे वे रक्त को उत्पन्न होने से पुरुष अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए मृतंगड़ों से साथ युद्ध घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज से प्रहार से जब उसके मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी से युद्ध रक्त बीज पर चक्र प्रहार किया तो ऐन्द्री उस सेनापति के गदा से चोट पहुंचाई। इस प्रकार से वैष्णवी के चक्र से घायल होने से उसके शरीर में जो रक्त बहा उससे भी उसके बराबर आकार के अशस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा प्रकट संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया। कौमेरी शक्ति से वरीह खंड से महेश्वरी त्रिशूल महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक प्रकार के घायल हो जाने से उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख कर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडाए तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा अपने शस्त्र पात गिरने वाले रक्त बूंद और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम इस उतावले वाले मुख से खा जाओ। इस प्रकार से रक्त के उत्पन्न होने से महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से उन दैत्यों का सारा रक्त छिड़ हो जाने से वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा।
ऐसे और काली ने अपना मुख फैलाया, उसका रक्त ले लिया। तब तो उसे वहाँ चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी के तनिक भी वेदना नहीं पहुँची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जीव ही वो गिरा त्यों ही चंडिका ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त के गिरे काली के मुख से महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वो चबा कर चट कर गई। इस प्रकार से उसने रक्त बीज और रक्त को पी लिया। तदांतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चंडिका ने पी लिया था, रक्त बाण धनुष खंड आदि से मार डाला उसे। इस प्रकार से शास्त्रों की क्षमता से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष प्राप्ति हुई और मृतंग असुर रक्त पान मद होकर नृत्य करने लगे। बोलो चंडिका माता की जय, रंति दंतिका की जय। तो इस प्रकार से माकुरी पुराण का 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलो दुर्गी सती सती माता की जय। तो दोस्तों, नवरात्र दिनों में जो कोई भक्त माता के चरित्रों का वर्णन करता है, दुर्गा सती सती पाठ करता है या श्रवण ही करता है, तो उसकी करोड़ों गुना फल मिलता है उसे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो व्यक्ति माता के श्रद्धे भाव से इन चरित्रों का वर्णन करता है, उसके घर की माता शीघ्र ही सभी प्रकार की परेशानियां दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको माता का इस रूप को पाठ का अध्याय पसंद आया हो तो उनके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।